तो गाइज वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं ऐसे ही दिल्ली आया था इंटरव्यू के लिए, और तुम्हारे भाई का भाई एकदम प्लान बन गया भाइयों का सारों का घूमने के लिए केदारनाथ। तो भाई मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, तो आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ। तो बीच का ब्लॉग शूट इसलिए नहीं करा था क्योंकि भाई बाइक से आया था मैं, और बाइक का यार सफ़र ऐसे ही होता है ना, समझ लो ना, सेफ्टी से आना पड़ता है, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बाकी का तुम्हारा भाई सब शूट कर रहा है, अब स्टार्ट कर दिया मैंने शूट करना और तुम्हें सब दिखाऊँगा। तो भाई तुम्हारा भाई पहुंच चुका है पहाड़ों पे, देख रहे हो। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं भाई केदारनाथ के लिए, जय केदारनाथ वाले बाबा की। तो भाई वो बोलते हैं ना, तुमने वो सुना होगा कि जब भगवान जी बुलाते हैं तो भाई अपने आप ही बुला लेते हैं, पता नहीं चलता। तो ऐसे भाई मेरा सीन है। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अंशु के साथ KTM से, KTM एडवेंचर 390। तो देख सकते हो भाई आप पहाड़, और मतलब रास्ता देखो भाई, यहाँ का मतलब रास्ता भाई पूरा राउंडिंग में है ना, और छोटा रास्ता भी, और साइड में भाई देख रहे हो तुम खाई वगैरह भी है, सब चीज़ है ना। बट भाई व्यू एक नंबर का है। पर भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, बोलते ना कि पहाड़ों पे जाके ठंडक होती है, भाई बिल्कुल भी ठंडक नहीं है यहाँ पे। काफ़ी पहाड़ों पे आ चुके हैं भाई, ऋषिकेश से ऊपर पहुँच चुके हैं ऋषिकेश से, बट यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी ठंडक नहीं है। गर्मी है भाई, फुल गर्मी जिसको बोलते हैं ना। और यार साउंड मैंने इसलिए मतलब इसका जो बैकग्राउंड साउंड था ना वो आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर अलग से साउंड डाला भाई, ठीक है। तो बट तो आपको अच्छा लग रहा होगा भाई देखने में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा है ना। देखो भाई, और भाई शेफ बहुत हैं यहाँ पे ना, शेफ वगैरह बहुत हैं, बट भाई मैं इस खतरनाक ड्राइवर के पीछे बैठा हूँ, और मेरी फट भी रही है, बट कोई नहीं भाई। बहुत गंदी बाइक चलाते हैं भाई, बहुत गंदी। और यार सीन पता क्या था, सीन कुछ नहीं था, मैंने बताया भाई मैं दिल्ली आया था किसी मतलब अपने काम से, बट एकदम प्लान बन गया अपना जाने का कि वहाँ पे चल रहे हैं, तो हम चल दिए भाई। और बस भाई बैठा हूँ मैं जैसे भी पीछे, बट मेरी भाई कसम से भोले बाबा के भरोसे जा रहा हूँ भाई, हकीकत में भोले बाबा के भरोसे भाई। बट भाई यहाँ पे आके ना एक अलग ही सुकून मिल रहा है भाई, एक अलग जिसे बोलते ना अलग नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट लेवल वाला मज़ा आ रहा है भाई, सुकून भी है भाई। बाकी भाई ऊपर देखते हैं गर्मी कितनी होगी है ना, और वैसे तो ऊपर जाके तो भाई ठंड होगी, 100% ठंड होगी, बट भाई यहाँ के रास्ते देखो भाई, देख रहे हो ना, बहुत मतलब सेफली चलानी पड़ती है भाई, बिल्कुल भी वही वाला सीन है, पलक झपकी और हो गया कांड। बट भाई मेरा ड्रीम था केदारनाथ जाना, और यार मैंने घर पे भी नहीं बताया अभी तक, तो ना वीडियो अपलोड होगी फिर उसके बाद घर वालों के भी देखेंगे, तो उनको जब पता चलेगा। अभी मैंने घर पे कुछ भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, बट डर भी लग रहा था बताने हो घर पे, पर कोई नहीं बता दूंगा, वहाँ पे जाके तो बताना ही है, उसे पहले ही बता दूंगा। और भाई बस जय भोले बाबा की, सेफली मैं चला जाऊं, दर्शन हो जाए, फिर नो प्रॉब्लम, फिर कुछ नहीं है भाई। मेरा बस ये ड्रीम था कि मैं केदारनाथ जाऊं, और ये मेरा भोले बाबा ने भाई सुन लिया। बाकी व्यू देखो यार, व्यू बहुत प्यारा है भाई यहाँ का, कसम से भाई एक नंबर का व्यू है भाई, एक नंबर बोलता ना जिसको, एक नंबर। गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका भाई डैम पे, और भाई देखो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में नीचे आ गया भाई मैं, अब यहाँ पे नहाऊंगा भाई, मेघालय में पहुंच चुका हूँ भाई मैं, मेघालय का पानी है, मेरा भाई भी है मेरे साथ, ये रहा पीछे, हाय तो कर दे अब, हाय है भाई ठीक। अभी भाई चलते हैं अंदर को, दिखाता हूँ तुम्हें और कुछ भी सीन। ओ माई गॉड, ओ भाई मजा ही आ गया भाई, तुम्हारी कसम। मेघालय
ये देखो गाइस मेघालय का क्या सीन है भाई, देख रहे हो तुम, मजा ही आ रहा है भाई। अरे तो फिर इधर क्या चल रहा है? चलने तो यार वो तो जो चल रहा है। तो गाइस अभी जूते वूते निकाल के मैं भी नहाता हूँ भाई, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है गाइस। तुम्हारा भाई तो भाई नहा धो के रेडी हो चुका है भाई, और मजा आ गया भाई नहा के, है ना, बढ़िया एक नंबर का था व्यू, मैंने आपको दिखाया है सारा, बाकी देखो व्यू। और अभी भाई कपड़े वपड़े पहन के चलते हैं आगे केदारनाथ, तो मिलते हैं आगे। तो भाई व्यू बताओ, व्यू कैसा है यार, है ना एक नंबर का व्यू भाई, मैं वहाँ से आया हूँ ऊपर से, व्यू है ना भाई बढ़िया एक नंबर का। भाई आ चुका हूँ मैं ऊपर, भाई देखो तुम कितनी नीचे गया था, और ऊपर जाना है मेरे को, देखो वहाँ पे गया था मैं, और अभी मेरे को भाई और भी ऊपर जाना है। ये रही भाई मेरी शेरनी, तो अभी भाई बस निकलेंगे, मिलते हैं आगे रास्ते में जाके। गाइस जैसे भाई हम यहाँ से निकले तो हमारे साथ भाई सीन हो चुका था, KTM में दिक्कत हो गई थी, तो भाई अभी वो बस सही हो गया, ये बस अभी हम निकले हैं यहाँ से, और भाई 5 घंटे लेट हो गए, तो अभी बस चलते हैं रास्ते में, दिखाता हूँ आपको व्यू पूरा। तो गाइस अभी आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं और अक्षय हैं बुलेट से, और वो दोनों हैं भाई KTM से, तो मिलते हैं फिर आगे जाके। तो अपने भाई का पूरा व्लॉग देखना भाई।
गाइस व्यू देखो भाई, रात का पर अभी दिख नहीं रहा होगा भाई, पर भाव बहुत तेज है भाई केदारनाथ का। तो भाई अभी तो जाएंगे हम ऊपर जाएंगे भाई, अभी तो नीचे ही हैं, बट व्यू देखो। बट भाई पहली बार लाइफ में ट्रैवल कर रहा हूँ भाई बाइक से इतना लंबा, और वो भी घर वालों को बिना बताए। बट देखते हैं भाई जैसे भी होता है, मिलते हैं अभी ऊपर जाके भाई। तो गाइस अभी भाई बस खाना वाने के लिए रुके हैं भाई, और अभी भाई यहाँ पे रूम वगैरह तो है नहीं, तो गाइस दिखाता हूँ तुम्हें, तंबू है भाई यहाँ पे। तो भाई ऐसे तंबू हैं ये वाले, देखो दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। बस खाना वाना खाते हैं। तो यार ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और देखना भाई अगला व्लॉग, पूरा व्लॉग देखना, पूरा व्लॉग दिखाऊंगा। तो भाई रात हो चुकी है बहुत, तो जैसे कि भाई बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं भाई। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मेरे सभी भाई को दिल से राम राम एंड लव यू, जय श्री राम और जय भोलेगी। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू भाई। और जिस भाई ने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यार भाई काला हो गया यार मैं, क्योंकि भाई धूप बहुत पड़ रही थी ना, और बाइक से आया हूँ भाई, तो समझ रहे हो आप। बट यार मेरे को बहुत थोड़ा सा वैसा सा फील हो रहा था, क्योंकि मैंने यार घर पे बता के नहीं आया। कोई नहीं यार, होता है। मेरा भाई एम था यहाँ पे आना, मतलब मेरा सब कुछ यही था कि मेरे को एक बार केदारनाथ जाना है बस। इसके बाद चाहे मेरे को कुछ हो या ना मिले, सक्सेस हो, कुछ भी हो, कुछ ना मिले मेरे को, बस मेरे को केदारनाथ जाना है। और भाई ये मेरे को भोले बाबा ने मेरी सुन ली, मैं किसी काम से आया था मैं दिल्ली, और वहाँ से भाई मेरा सीधा एकदम प्लान बना कि केदारनाथ के लिए चलो। ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे, बट ऋषिकेश से एकदम भाई प्लान चेंज हो गया कि केदारनाथ चल रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो, तो भाई हम केदारनाथ के लिए निकल गए। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू बहुत सारा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।